हेलो एवरीवन वेलकम टू न्यू इंडियन एरा गुड मॉर्निंग टू यू ऑल सो कैसे हो आप लोग ऑल गुड हाय संजना हाय गुड मॉर्निंग हाय शानिल मैम मैंने अपने मन से आंसर हिस्ट्री में लिखा तो मार्क्स मिलेगा क्या हाँ ऑब्वियसली मिलेगा अगर आपने मीनिंगफुल फुल सेंटेंस लिखा है अपने मन से तो आपको हिस्ट्री में मार्क्स जरूर मिलेगा ठीक है नो डाउट हेलो आयुष हेलो पेंदो ना

एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री उसके टू कैटेगरीज थे कीर्तन हुआ था भजन हुआ था है ना ये सारी चीजें थे एंड क्या था एक्टिव था पैसिव था ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी बट आज हम देखेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट ठीक है मैम रुको स्टूडेंट्स आने दो ठीक है दो मिनट रुकते हैं उसके बाद में स्टार्ट कर दूंगी ठीक है सो so, आपके कुछ डाउट है आप लोग प्लीज चैट में बताइए ना तो फिर मैं आपको रिप्लाई करती हूँ कि आपके प्रीलिम्स में मैम इस संडे जैसे कि अभी तो बच्चे लोग को स्कूल में होगा किसी का प्रीलिम्स होगा तो मैं सर से बात करती हूँ कि दिस संडे आपका एक इम्पॉर्टेंट uh, क्वेश्चन का एंड कैसे आंसर राइटिंग करना है उसका एक वीडियो बनाना है ठीक है तो मैं आपको लाइव ही बताऊंगी या फिर वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड uh, करके बता दूंगी ठीक है सो नो वरीज उसकी कोई टेंशन लेने की प्रॉब्लम नहीं है बट अभी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। बॉक्साइज कैन यू टेल मी वॉट एवर आई एम टीचिंग यू आर यू एबल टू गेटिंग इट ऑल आपको जो भी मैं पढ़ाती हूँ समझ में आ रहा है प्लीज रिप्लाई मैम क्वेश्चन आंसर लर्न कैसे करें देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लर्न करना है तो पॉइंट वाइज लर्न कीजिए ठीक है अगर आप एक एक पॉइंट बना के उसको लर्न करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगा बिकॉज देखो हम जब पैरा में पैरा में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं ना लाइक रट रहे रट रहे रट रहे, रहे, रहे तो वो कुछ नहीं होने वाला अगर आप एक एक पॉइंट के हिसाब से उसको पढ़ोगे ना जैसे कि आपने एक पॉइंट पढ़ लिया ठीक है आपने क्या पढ़ लिया ये देखो आपने ये पढ़ लिया ललित इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन महाराष्ट्र इट बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ नारादिया कीर्तन इट इज क्वाइट पॉपुलर इन गोवा एंड कोंकण। तो ये आपका क्या हो गया ये आपका एक पॉइंट बन गया ठीक है आपका क्या हो गया पॉइंट बन गया कि ललित इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ सॉन्ग है ना एंटरटेनमेंट इन महाराष्ट्र ठीक है तो आपने एक ये बना दिया देन इट बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ नारादिया कीर्तन ये आपका इन दोनों को मिला के आपका एक पॉइंट बन सकता है तो अगर आप ऐसे पॉइंट वाइज पढ़ोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा अगर आप ऐसे पढ़ोगे ललित इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन महाराष्ट्र इट बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन तो ऑफ नरदिया कीर्तन इट इज क्वाइट पॉपुलर तो आप ऐसे ऐसे पढ़ के ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है ठीक है अगर आप उसको पॉइंट्स के हिसाब से पढ़ रहे हो पॉइंट्स के हिसाब से लिख रहे हो सो विल बी वेरी गुड ठीक है स्टूडेंट अब हम कैन आई स्टार्ट प्लीज रिप्लाई यस और नो आप नो भी रिप्लाई करोगे तो भी मैं स्टार्ट करूंगी ठीक है तो प्लीज कैन यू प्लीज टेल मी इन चैट थैंक यू कृष्णा थैंक यू मुख्तर आप लोग का सपोर्ट रहेगा मैं भी आप लोग को सपोर्ट करूंगी एंड डोंट वरी न्यू इंडेन अराइज फॉर यू ठीक है सो लेट्स स्टार्ट ओके So, हमने यहाँ तक पहुंचे थे कल कल हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था आज हम ये देखते हैं जो ललित ललित इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन महाराष्ट्र अभी जो ललित है वो क्या है पुराना वर्जन है पुराना फॉर्म है पुराना फॉर्म है कहाँ पे महाराष्ट्र में ठीक है पुराने जैसे देखो ना पुराने गाने होते हैं एटीज के नाइनटीज के बट अभी तो बहुत हिट बॉलीवुड सॉन्ग आ रहा है ढिंचक ढिंचक आ रहा है ठीक है बट पहले ऐसे थोड़े से रोने टाइप धोने टाइप बट ओल्ड सॉन्ग हिट्स डिफरेंटली वो बहुत ही ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है एंड अभी तो उसी का नया वर्जन हम निकाल के उसको बना रहे हैं ठीक है सो so देखो यहाँ पे इट बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ नाराधिया कीर्तन अभी वो डू मीन में नाराधिया कीर्तन नराधिया कीर्तन का मतलब होता क्या है उसका मतलब क्या होता है एक ही लोग एक ही पर्सन कीर्तन कर करके देखो ना कि लोग जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर जैसे कि आपके देखो हमारे घर पे ही अगर हम सोसाइटी में रह रहे सोसाइटी में तो नहीं आते जैसे हम चौल में रहते हैं तो वहाँ पे लोगो देखो ना वो ऐसे आ, उनका कुछ तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है एंड ऐसे ऐसे करके आते हैं ऐसे ऑरेंज कपड़े पहन के ठीक है तो मतलब इट्स नॉट लाइक दैट जस्ट आई एम गिविंग यू एग्ज़ैम्पल सो वैसे ही एक पब्लिक एक लोग रहता एक लोग रहते हैं एक पर्सन रहते हैं जो ही यूज़ टू गो एट सम प्लेसेस वो पे कीर्तन भजन करते हैं ताकि लोगों में एक जागरूकता फैले एंड लोग भी क्या करें? इससे प्रेरित so, ये यह है Goa and Konkan में अगर आपको fill in the blanks में अगर ये आता है ठीक है डैश इज पॉपुलर इन गोवा एंड कोंकण कच इज ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट सो आप लिख सकते हो ललित ठीक है आप अगर ऐसे क्वेश्चन पढ़ाया लल हो गया ठीक है it is an old form of अभी कोई बोलेगा ललित? It is an old form of entertainment in ठीक है फिर अपने own words में भी लिख सकते हो इसको एंड इट इज क्वाइट पॉपुलर इन गोवा एंड कौन ठीक है इट इज संग बाई दराधिया कीर्तन इट बिलोंग्स टू कीर्तन ऐसे लिख सकते हो ठीक है तो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करना है बस अपना दिमाग यूज करना है और अगर आप देखो छोटे छोटे वर्ड्स को अगर आप इंग्लिश में समझने लग गए ना तो आप अपने मन से बना लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बस उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए ठीक है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ललित ऑन द ओकेजन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल इट इज presiding deity ऑफ दैट फेस्टिवल इज प्रेजेंट ऑन द throne एंड शी invoke फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अ डिजायर अभी देखो जब ये ललित ये परफॉर्म होता है देखो बहुत सारे देखो हम temples में जाते हैं अभी देखो सत्संग आप सत्संग में गए हो गए या टी में सुने हो गए तो कौन रहता है वहाँ पे वहाँ पे बस बीच में यहाँ पे इतने क्राउड होता है वो सुनने के लिए लेकिन बंदा कौन रहता है पर्सन कौन रहता है सिर्फ एक जन रहते हैं एक लोग सत्संग सुनाते इतने हजारों करोड़ों लाखों पब्लिक को सो वैसे ही यहाँ पर टेंपल्स में जाते हैं एंड एक लोग अपना भजन कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं लोग धीरे धीरे आ रहे हैं उनको सुन रहे हैं फिर धीरे धीरे वो भी अपना स्टार्ट चीजें कर रहे हैं समझ में आ रहा है तो जो भी उनकी इच्छा होती है वो वहाँ पर जाके पूरी होगी अभी देखो हम भगवान को देखे हैं क्या नहीं देखे हैं बट भगवान एग्जिस्ट करते हैं ठीक है हमें लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं hey, हे भगवान प्लीज इसको सॉल्व कर दो ऐसा कर दो वैसा कर दो ठीक है एट द सेम टाइम कोई बोलेगा भगवान है ही नहीं बट ऐसा कुछ भी नहीं है जस्ट बिलीव इन गॉड ठीक है एंड यहाँ पे देखो डिजायर की बात की जाए तो जो भी हमारी इच्छा होती है हम प्रे करते टाइम बोल देते हैं ठीक है कि हाँ भगवान जी आप प्लीज ऐसे ये ये रिजल्ट ला दो मैं आपको इतना इतना लड्डू इतना इतना नारियल ये सब चढ़ाऊंगा ठीक है तो आपके हार्ड वर्क पर भी डिपेंड करता है आप कितना वर्शिप करते हो अपने गॉड पे कितना भरोसा करते हो अपने भगवान जी पे वो भी मैटर करता है ठीक है देखो अभी यहां पे देखो लेट एवरीबडी बी ग्रांटेड देयर डिजायर सो जो भी उनकी इच्छा है जो भी हमारी इच्छा है वो सब क्या हो जाए पूरी हो जाए लेट एंटायर विलेज लिव इन हैप्पीनेस टिल वी परफॉर्म नेक्स्ट ललित सो यहाँ पे क्या है कि पूरे विलेजर्स जो हैं उनको एंजॉय करने दो उनको हैप्पीनेस फील करने दो खुश रहने दो जब तक हम ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है अभी देखो कोई फार्मर है खेती कर रहा है एंड क्या बोलते हैं उनकी जो वाइफ लोग हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं वो लोग इतनी कुछ चीज़ें करके आ रहे हैं घर पर ठीक है तो उनको भी तो थोड़ा महसूस होना चाहिए कि हमारे लाइफ में इंटरटेनमेंट होना चाहिए तो चाहे वो भक्ति से इंटरटेनमेंट हो चाहे किसी और चीज़ से हो बट उनको अच्छा फील हो रहा है ठीक है लेट द इंटरनल क्लैशेस वैनिश विद दिस परफॉर्मेंस ऑफ ललित अभी देखो इंटरनल क्लैशेस इंटरनल क्लैशेस का मतलब क्या हो गया जो भी जो भी अंदरूनी झगड़ाएं झगड़े हैं अभी देखो कभी कभी क्या होता है कि कितना भी लोग एक दूसरे से क्या बोलते हैं झगड़ा करें या कुछ करें बट देखो कोई फेस्टिवल आता है या फिर कुछ फंक्शन होता है स्कूल में कॉलेजेस में तो हम फिर से फ्रेंड बन जाते हैं या फिर से हम बातें करने लग जाते हैं है ना सो क्यों बिकॉज ऑफ सच फेस्टिवल वो फेस्टिवल आया इसलिए भी हम बातें करने स्टार्ट कर दिए ठीक है सो इट्स ऑल अबाउट फीलिंग हैप्पीनेस एंड मेक इच अदर द कम्युनिटीज बिहेवियर बी प्य अभी यहाँ पे देखो जितने भी माइंड में उनके झगड़ा चल रहे या कुछ भी चल रहे जो भी टेंशन है एक दूसरे के प्रति सब क्या हो जाए नष्ट हो जाए खत्म हो जाए

तो ये जो है वो चीज़ें क्या करती है थिएटर में प्रेजेंट होती है थिएटर में उनकी स्टाइल होती है अलग से स्टोरीज़ बनती है ठीक है अभी हमने देखा होगा ड्यूरिंग जन्माष्टमी हो गया या फिर दशहरा हो गया जैसे कि मैंने आपको पहले ही कल ही बताया था कि रामलीला होता है फिर जन्माष्टमी में कृष्णा की स्टोरी बताई जाती है कि उनके फादर कैसे उनको पूरे इतने नदी में से रात में ये कुल से वो कुल में लेकर गए फिर जो रामायण है अभी देखो लाइक क्या बोलते हैं ये जो हमारा कोविड चल रहा था कोविड के टाइम पर रामायण चल रहा था महाभारत चल रहा था एंड पीपल इतने इतने एक्साइटेड होते थे इतना ईगरली वेट करते थे वो आठ बजे का कि आठ बजेंगे एंड रामायण स्टार्ट हो जाएगा एंड वो इतना अच्छा लगता था देखने में सो हमको पुरानी यादें आ जाती थी ठीक है सो so वो एक टाइप का वहाँ पर कोविड के टाइम पर वो एक एंटरटेनमेंट हो गया था तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें बताई गई हैं मैम विच वन इज़ अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री प्लीज़ टेल मी अब यहाँ पे देखो अगर मैं बोलूँ तो सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि मैंने आपको कल बताया था ठीक है अगर आप लोग ने नोट किया होगा कि ये ये चैप्टर्स इतने इतने मार्क्स के लिए आता है तो फॉर मी ना आप एक भी चैप्टर स्किप मत करना बस आप लोग देख लेना क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि बताओ कभी कभी क्या होता है अगर हम ये चीज़ स्किप कर देते हैं तो समाइम क्या होता है जो हमने पढ़ा होता है ना दैट टाइम हम वो भूल जाते हैं तो उसको भूलने में और याद करने में हमारा पाँच मिनट चला जाता है तो इससे अच्छा अगर आप चीज़ें स्किप ना करो उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लो तो वो चीज़ें माइंड में रहेगी कि हाँ ये मुझे भूल गया बट हाँ मुझे ये लर्न है तो मैं ये फटाफट लिख देता हूँ ठीक है तो आप प्लीज अभी से टेंशन मत लो ये संडे को मैं बता दूंगी कि आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उसका मैं जाके लैपटॉप में वो नोट्स बना दूंगी आपके लिए कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल के एक्सप्लेन द फॉलोइंग रीजंस के आई एल गोइंग टू मेक इट इन माई लैपटॉप एंड विल शो यू ऑन दिस संडे ठीक है तो अभी आप हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते डोंट वरी चलो Now, भारुड भारुड कैन बी डिस्क्राइब एज अ मैथोपोरिटिकल मेटापोरिकल सॉन्ग दैट हैज स्पिरिचुअल एंड एथिकल लेसंस अभी देखो भारुड जो है वो एक मैथोपोर्टिकल सॉन्ग है बहुत ही भावुक सॉन्ग है जिसे हमको कुछ सीखने के लिए मिले स्पिरिचुअल एथिकल लेसंस मिले एथिकल लेसंस का मतलब क्या होता है देखो जो लोग ना बहुत लोग ना बहुत सख्त होते हैं ठीक है कि अगर उनको गलत रास्ते पे नहीं जाना है तो वो नहीं जाते हैं अभी देखो कोई नॉन अभी मैं एथिक्स का मतलब जैसे कि समझाते हैं जैसे कि कोई नॉन वेजिटेरियन है कोई वेजिटेरियन है ठीक है कितना भी वो पर्सन नॉन वेजिटेरियन के साथ रह ले अगर उसको वो नॉन वेज नहीं खाना है तो वो कभी नहीं खाएगा ठीक है कोई कुछ भी ड्रिंक कर रहा है या कुछ कर रहा है बट वो पर्सन अपने लिए एंड अपने फैमिली के लिए एंड अपने एथिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट करता है कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं करूँगा मतलब नहीं करूँगा देखो कभी कभी क्या होता है हम सौ लोगों के बीच में रहते हैं तो और हम बहुत अच्छे रहते हैं या फिर हमने कभी कुछ किया नहीं रहता है बट अगर हम उनके बीच में इन्वॉल्व हो जाए तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा हमारे माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको उनको फॉलो करना है या नहीं बिकॉज देखो कभी कभी क्या होता है कि हम स्कूल में रहते हैं कॉलेजेस में रहते हैं स्कूल में हमारा एक ही बेंच होता है हम ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं मैम ये अच्छा नहीं है तो इसको वहाँ पे रखो या मैं अच्छा नहीं हूँ तो मुझे साइड में रखो ऐसा नहीं होता है हमको मिलजुल के रहना पड़ता है बट ऑल हमारे क्या डिपेंड होता है सिर्फ माइंड सेट के ऊपर तो कभी भी सोच लेना कि आपका माइंड सेट अच्छा रहेगा तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन आपके लाइफ में आ रहा है कौन जा रहा है कौन अच्छा है या कौन बुरा है आप सिर्फ अपने माइंड सेट के हिसाब से सोचोगे और अपने आप पर फोकस करोगे ठीक है प्रोसीड फर्दर सो बारुड इज अ कंपेरेबल टू द स्टाइल ऑफ रोड शो बारूड्स कंपोज बाय संत एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट ड्रामेटिक क्वालिटी इजी रिदम एंड ह्यूमर संत एकनाथ कंपोज बारूड्स विदज ऑफ एडुकेटिंग पीपल ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ तो जितने भी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है अलग अलग तरीके हैं जो लाइफ में जो लाइफ को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाले हैं वो ये जो यहाँ पे जो संत एक नाथ है वो अपने मतलब गानों से या फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं बहुत ही ज्यादा संत एक नाथ पॉपुलर है महाराष्ट्र में आप देखोगे तो एन जो ये है जो रोड शो होता था अभी देखो अभी के अभी के टाइम पर हम रोड शो बोल सकते हैं लाइक देखो ना अभी भी रोड शो होता है ना कि अगर आप जाते हो जैसे मैंने कल बताया था कि वो लड़कियां रहती हैं वो ऐसे रस्सी होता है फिर बाम्बू होता है उस पर चलती हैं या फिर कोई डांस करने लग जाता है या फिर कोई बीच में ही सिंगिंग करने लग जाता है तो वो वन ऑफ टाइप का क्या होता है रोड शो होता है वो भी एक टाइप का एंटरटेनमेंट हो गया है ना सो so वैसे ही उस जमाने में भी ऐसा होता था नाउ देखो यहाँ पे तमाशा तमाशा इज अ पर्शियन वर्ड इट मीन्स अ प्लीजिंग साइट अभी देखो अगर हम अपनी भाषा में तमाशा बोले ठीक है अगर हम अपनी भाषा में तमाशा बोले तो क्या होगा क्या क्यों तमाशा कर रहा है क्यों झगड़ा कर रहा है क्यों इशू क्रिएट कर रहा है बट पर्शियन वर्ड में इसको बोलते हैं प्लीजिंग साइट प्लीजिंग मतलब क्या होता है जो हमारी आंखों को जो हमारे पूरे बॉडी को एकदम हेल्थ को माइंड को एकदम रिफ्रेश कर दे ठीक है आप देखो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो एंड आपने सनराइज होते हुए देखा पहाड़ एंड उसके ऊपर आप सनराइज होते हुए देख रहे हो वो क्या होता है प्लीजिंग साइट होता है ठीक है हमारे आँखों को एक नमी देता है कितना तो अच्छा फील होता है तो वैसे ही पर्शियन वर्ड में तमाशा को क्या बोलते हैं प्लीजिंग साइट ठीक है हमारा तमाशा अलग होता है ठीक है बट यहाँ पे तमाशा अलग चीज़ है

दो टाइप्स के ट्रेडिशनल ये है क्या है तमाशा है क्या क्या है वो देखते हैं हम लोग संगीत बारी एंड ढोला पार डांस एंड म्यूजिक आर मोर इंपॉर्टेंट देन ड्रामा इन संगीत बारी अभी देखो यहाँ पर ढोली किचा ये अभी देखो आ, क्या बोलते एक पर्सन रहता है ढोल बजाता है ढन का डन ठीक है है ना ऐसे देखो ना आपने नवरात्रि या फिर जब भी लाल बाग का राजा जाता है जाते हैं या फिर कोई भी कुछ भी मतलब ऐसे कुछ चीज़ें होती है किसी भी ओकेजन में सो so वो ड्रामर्स होते हैं जो ढोलक लेके इतने बड़े ढोलक होते हैं उसको ऐसे बजाते हैं बजाते हैं ठीक है आपने देखो शिवाजी का कोई भी ड्रामा देखा होगा तो उसमें भी ऐसे ढोलक बजाते हैं ठीक है सो वो सारी चीज़ें हैं एंड ये टाइम पर सॉन्ग से ज़्यादा क्या मैटर करता था ज़्यादा करके डांस होता था ठीक है डांस एंड ड्रामा से ज्यादा क्या होता था म्यूजिक और इट इंक्लूडेडिकार्ट लिटिल लेटर द वैक वेरी लाइविंग बिकॉज ऑफ इट्स ऐसे देखो हम कभी कभी जोक अलग होता है अलग क्रिएट होता है ठीक है

ठीक है अभी तो एनुअल फंक्शन स्टार्ट हुआ होगा आपके स्कूलों में भी ठीक है तो आपने देखा होगा कभी भी कुछ फंक्शन से पहले हम सरस्वती माता को आ, ये करते हैं प्रे करते हैं एंड फिर गणेश जी को भी प्रे करते हैं कभी भी हमारे घर में देखो पूजा होती है तो सबसे पहले जिसकी पूजा हो रही है उसके पहले हम गणेश जी की आरती करते हैं तो कुछ भी करने से पहले हम स्टार्टिंग में गणेश जी को ही वर्शिप करते हैं ठीक है इट इज फॉलोड विद प्रेजेंटेशन ऑफ गवालन द सेकेंड पार्ट ऑफ दाशा प्रेजेंट अच्छा लाइक माझी पूरी करा अभी देखो मतलब यहाँ पे क्या है इतनी मराठी तो नहीं बट इतना तो समझी सकती हूँ मैं है ना तो इसका कहता है इच्छा माजी पूरी करा मतलब जो भी मेरी इच्छा है वो आपको पूरी करनी है ठीक है और गधावचे लग्न आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ तमाशा, सो so, ये सारी चीजें हैं, ठीक है ठीके? जो वहां उस टाइम पे बहुत ही फेमस हुआ करती थी लोगों का ये एंटरटेनमेंट हुआ करता था ना देखो पोवाड़ा, पोवाड़ा क्या है बैलेड है तो जो बैलेड है ना उसको क्या बोलते हैं हम बैलेड इज अ पोइट्री जो बैलेड है वो क्या है पोइट्री है समझ में वो छोटे छोटे पोइट्री बना के हम आ, आ, बोलते हैं ना उसको हम बैलेड बोलते हैं देखो हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट के ट्रेडिशन हिस्टोग्राफी में मैंने ब, बताया था आपको वहाँ पे बैलेड एक वर्ड था कि उसको क्या बोलते हैं पोइट्री पोएम्स सो इज अ ड्रामेटिक नरेशन बाय अल्टरनेटिंगली रेसाइटिंग पोइट्री एंड प्रोसिक एक्सट्रैक्ट पोवाड़ा नरेट्स ग्रेट डीड्स ऑफ फ्योरिक मैन एंड वुमेन इन अ वेरी फोर्सफुल एंड इंस्पायरिंग स्टाइल द पोवाड़ा कंपोज बाय अध्यानंद एंड अ कंटेम्प्रेरी पोएट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज नरेटिंग द इंसिडेंट्स ऑफ द किलिंग ऑफ अफजल खान एंड अनदर वन ऑफ द बैटल ऑफ सिंहागढ़ कंपोज बाय तुलसीदास आर टू वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ पोवाड़ा अभी यहाँ पर देखो जो पोवाड़ा है वो एक छोटे छोटे बैलेट मतलब बैलेट्स हैं वो ठीक है छोटे छोटे पोएम में हम जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे लाइक like शिवाजी महाराज हो गए उन्होंने अफजल खान को कैसे मारा था ठीक है ये कौन था निज़ाम शाह कौन था अफजल खान कौन था औरंगजेब कौन था मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे अपने छोटे छोटे पोएम्स के अकॉर्डिंगली बोली के अकॉर्डिंगली वो लोग बताते थे कि जितने भी कर्म है हमारे हीरोज़ के एंड टाइम हीरो वॉज अवर शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज तो उन्होंने कैसे फील्ड में बैटल किया था कैसे लड़ाई की थी कैसे इसको मारा कैसे उसको मारा कितने ग्रेट थे वो सारी चीज़ें वो लोग अपने पोएम के थ्रू लोगों तक पहुंचाते थे ठीक है स्टोरी क्रिएट करते उनको बताते थे एंड ये जो आ, ये कंपोज बाय तुलसीदास ये तुलसीदास का लिखा हुआ था ठीक है तुलसीदास तुलसीदास है तुलसीदास आर टू इस तुलसीदास सॉरी आ टू वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ क्या है एक बैलेड है जो कि एक पोइट्री और पोयम है लोगों तक तो पहुंचाई जाती थी मैम कैन कैन यू मैम कैन यू प्रोवाइड हिस्ट्री इन मराठी ओके सॉरी आई एम मैं मराठी बिल्कुल नहीं बोल पाती स्टूडेंट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बिकॉज बिल्कुल मतलब मुझे सिर्फ मराठी बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स में आती है कि लाइक काय करते और फिर कुटे जाते फिर आयला जाते मतलब इतनी चीज़ें आती है और अगर आप मुझे बोले कि अगर अगर आप देखो अगर मैं ये बोलूँ द मूमेंट स्टार्टेड बाय विष्णुदास तो मुझे ये बोलने नहीं आएगा मराठी में कि जहाँ मूवमेंट विष्णुदास ने स्टार्ट के लिए होती मतलब ऐसे ठीक है तो मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ बुरा फील हो या फिर मैं मराठी में कुछ अलग वर्ड बोलूँ ठीक है तो इससे अच्छा मैं हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ ठीक है आप लोग वही सुन लीजिए सो कृष्णा क्यों लेट हो रहा है आपको मैं क्या जान सकती हूँ लाइक आपको उस कॉलेज या स्कूल जाना है या फिर कहीं और जाना है तो मैं कुछ और अरेंजमेंट कर दूँ आपके लिए मतलब क्यों मतलब बहुत लेट हो रहा है क्यों लेट हो रहा है तो अभी तो आप हिस्ट्री में प्रेजेंट हो ठीक है एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट एट देयर स्टेजेस जितना साइंस इंपॉर्टेंट है उतना ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है मैं सर को बोलती हूं ठीक है डोंट वरी अभी आप यहां पे ध्यान दो इन द ब्रिटिश पीरियड इन द ब्रिटिश पीरियड पोआर आज राइटिंग द स्टोरी ऑफ उमाजी नायक छापेकर ब्रदर्स महात्मा गांधी वेर कंपोज सो देखो ब्रिटिश पीरियड में ये सारी चीज़ें कंपोज की जाती थी लिखी हुई जाती थी लोगों तक पहुँचाई जाती थी कि इनके कर्मा क्या है इनके डीट्स क्या है इन्होंने क्या क्या किया है ठीक है मैम ओनली टेक्सट बुक एक्सरसाइज लर्न किया तो एस में नाइनटीन प्लस बिल्कुल आपको जो एक्सरसाइजेस हैं हिस्ट्री के जो एक्सरसाइजेज हैं बस वही लर्न करके जाना है समझ में आ रहा है जो हिस्ट्री के पीछे जो आपका एक लेसन कंप्लीट हो गया उसके यहाँ पे जो एक्सरसाइजेज है वही लर्न करके जाओ समझ में आ रहा है आपको कोई यहाँ वहाँ की बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है और जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको संडे को इन डिटेल तरीके से आपका एक सेशन ले लूंगी अच्छा वाला एंड वहाँ पर सब प्रेजेंट रहना बिकॉज संडे है तो आप स्कूल भी नहीं जा सकते कहीं पे भी नहीं जा सकते एंड संडे हैप्पी न्यू ईयर है तो आप लोग को कहीं जाना भी होगा तो शाम को जाओगे कभी भी जाओगे बट मैं वहाँ पे दस बजे अराउंड बारह बजे आपका लेक्चर ले लूंगी इफ पॉसिबल ठीक है मैम मास मीडिया का लेक्चर नंबर थ्री नहीं है यूट्यूब में एक्चुअली मास मीडिया में दो ही लेक्चर्स हैं मास मीडिया का फर्स्ट है एंड मास मीडिया का सेकंड है मैंने लास्ट में बस एक पैरा स्किप किया है तो मैं उसके लिए लेक्चर थ्री हम अरेंज नहीं कर सकते है ना नहीं तो फिर वो दस मिनट का है लेक्चर थ्री सिर्फ डाल दिए तो वो वर्थ नहीं होगा ठीक है तो मैं जब आपको एक्सरसाइज बताऊंगी तब आप ये कर लेना एंड मैंने पूरा पढ़ा दिया है मास हिस्ट्री, कौन है? वंदना. मास मीडिया मीडिया एंड एंड हिस्ट्री हिस्ट्री वंदना मैंने सब पढ़ा दिया है फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट सेशन एंड सेकेंड में सेकेंड वाला ठीक है बस लास्ट का कुछ वन पैरा मिस हो गया है इंपॉर्टेंट मैं आपको संडे को दूंगी प्लीज आप लोग अवेलेबल रहना ठीक है अभी तो मुझे पढ़ाने में ध्यान देना है ठीक है मैं आपके चैट्स पढ़ते रहूंगी डोंट वरी ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस संयुक्त महाराष्ट्र के टाइम पे ये जो पोवाडाज था वो लोगों में एक जागरूकता क्रिएट करने लगा था ठीक है एक जागरूकता फैलाने लगा था ठीक है मराठी थिएटर थिएटर इज अ प्लेस डिवोटेड टू परफॉर्मेंस इधर सोलो और कलेक्टिव ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स अभी देखो थिएटर एक प्लेस है जहाँ पे कोई सोलो आर्ट परफॉर्म कर रहा है अकेला कर रहा है या फिर कोई ग्रुप में कर रहा है सब अपने अपने जो भी टैलेंट होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट करते थे नाउ पार्टिसिपेशन ऑफ आर्टिस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ आर्टिस्ट एज़ वेल एज ऑडियंस इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस अभी पे obviously, यहाँ पर देखो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या बताया है कि जितना हम पार्टिसिपेट अभी मैं यहाँ पर डांस परफॉर्म करूँगी या आप स्कूल में डांस परफॉर्म करोगे ठीक है तो क्या करोगे वहाँ पर तो कोई भी नहीं है तो मैं अकेले नाचूँ या फिर आप एनुअल फंक्शन में जा रहे हो इतना बड़ा हॉल है ठीक है तो आप क्या अकेले डांस करोगे डांस तो अकेले ही करोगे बट वहाँ पर कोई तो रहना चाहिए तो वैसे यहाँ पे बताया है कि जितना हम पार्टिसिपेट करते हैं जितना वो इम्पोर्टेंट है उतना ऑडियंस का भी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है द थिएटर कॉम्प्रोमाइज सेवरल such सच script, स्क्रिप्ट डायरेक्टर आर्टिस्ट मेकअप कॉस्ट्यूम स्टेज आर्ट डिजाइन बैकड्रॉप ऑफ स्टेज लाइटनिंग audience ऑडियंस एंड क्रिटिक्स डांस एंड म्यूजिक कैन be part पार्ट ऑफ ड्रामा drama ड्रामा इज drama enacted with the ऑफ डायलॉग्स dialogues. However, my माइंड कैन ऑल्सो यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन अभी यहाँ पर देखो कभी भी हम डांस परफॉर्म करते हैं या सॉन्ग परफॉर्म करते हैं फिर कोई ड्रामा परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें कॉस्ट्यूम चाहिए रहता है हमारा मेकअप चाहिए रहता है फिर लाइटनिंग होनी चाहिए है ना फिर डांस पे वो देखो ना आपने देखा होगा टीवीज में कि वहाँ पे जब भी हम स्टेज पे जाते तो सब लोग बोलते सेंटर में आओ सेंटर में फिर सेंटर में एक लाइट स्प्रे आती है ठीक है एंड वो वहाँ पे वो लोग डांस करना स्टार्ट कर देते हैं सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस मैं डांस करके चली जा रही हूँ मेरा क्या मेकअप है क्या कॉस्ट्यूम पहना है मैंने किस तरीके से वो पहले मतलब वेल बिहेव कर रहा है कि नहीं मतलब सारी चीज़ें द रूरल्स ऑफ भोसले फैमिली ठीक है द रूर द रूलरस ऑफ द रूलर्स ऑफ भोसले फैमिली ऑफ ट्रे ग्रेट पैटर्न ऑफ ड्रामा सम ऑफ़ देम है संस्कृत प्लेस सो यहाँ पर जो रूलर्स ऑफ भोसले फैमिली थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे किसके यहाँ पे पैटर्न ऑफ ड्रामा से ड्रामा को चीज़ें जो भी है एंड उन्होंने अपनी ही साइड में लिख के उसको संस्कृत में भी प्ले बनाया है ठीक है सो नाइनटीन सेंचुरी सो ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ द मराठी थियेटर विष्णुदास भावे इजन एज द फादर ऑफ द मराठी थियेटर ठीक है सो so अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आयादर ऑफ मराठी थिएटर तो आप क्या लिखोगे विष्णु दास भाव भावे समझ में आ रहा है यह आपको फिल्म द्लैंक्स के लिए पूछ सकते हैं डैश इज डैश इज नोन एज फादर ऑफ मराठी थियेटर तो आप लिख सकते हो विष्णु दास भावे फर्स्ट प्ले प्रेजेंटेड बाय हेम सो यह थिएटर उन्होंने स्टार्ट किया रामायण में सीता स्वयंबर हुआ था कैसे राम जी आए थे धनुष को उठाए थे धनुष तोड़े थे फिर उनका स्वयंबर हुआ था तो ये सारी चीजें उनमें बताई थी द मूवमेंट स्टार्टेड बाई विष्णुदास भावे वॉज फॉलोड इन महाराष्ट्र बाय हिस्टोरिकल मैथोलॉजिकल एंड ऑल्सो लाइट फैशिकल स्टेज प्लेस द फैशियल प्लेस डेल्ट विदेश इन वे सो ये सारी चीजों में जितने भी है फैकिकल uh, इशूज में उन्होंने सोशल इशूज बताए थे अपने ड्रामेटिक के थ्रू की ऑलरेडी क्या चल रहा है हमारे यहाँ पे तो आप लोग भी देख सकते हो ठीक है नाउ

In इन and its printed copy was made available. This was the beginning of the tradition of having a complete written script ready before a staging a play. So देखो हम कभी भी जाते हैं स्टेज पे या कुछ भी करने से पहले सो so, सबसे पहले हम वेल प्रिपेयर होके जाते हैं ऐसा नहीं कि मेरा डांस है मैंने गाना दे दिया ठीक है मैं जा रही हूँ अभी मचा दूंगी ऐसा नहीं होता है ठीक है पहले से हमको वेल प्रिपेयर होने की ज़रूरत है इन द लेटर हाफ करंजीकर मेड स्पेशल इंट्रोड्यूस क्लासिकल ख्याल म्यूजिक इन महाराष्ट्र जब भी नाइनटीन सेंचुरी का जो हाफ से शुरुआत हुआ सो so, वहाँ पे क्या हुआ बालकृष्ण बुआ एंड इजर कर ने स्पेशल एफर्ट दिखाया क्लासिकल म्यूजिक के थ्रू ठीक है क्लासिकल म्यूजिक को कि यहाँ पे देखो क्लासिकल है एंड उसके बाद कथकली है फोक आर्ट है तो ये सारी चीजें यहीं से आई है बस वो आगे टू आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन पास होते जा रही है नॉ सीयर आफ्टर हेम उस्ताद अलदिया ख़ान उस्ताद अब्दुल करीम खान एंड उस्ताद रहीम तक खान कॉन्ट्रीब्यूट इन अ ग्रेट वे ठीक है सो आफ्टर दिस जो म्यूज़िकल क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल म्यूज़िक को बहुत ही ज़्यादा वो लोग क्या करते थे उनको मोटिवेट कर रहे थे इसके थ्रू इंस्पायर कर रहे थे तो उसी के साथ साथ इन लोगों का भी क्या था बहुत ही इन्वॉलमेंट था इन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स दिखाए थे ताकि लोगों का कहीं ना कहीं से एंटरटेनमेंट हो सके Their efforts helped in developing a taste for classical music among the audience in Maharashtra. The growing popularity of classical music resulted in the origin of musical Marathi theater. So यहाँ पे देखो day by day classical music का इतना scope इतना लोगों में इतनी awareness create हो रही थी लोग इतना entertain हो रहे थे उसके वजह से कि एक अलग से उनका classical music theater developed हो गया. समझ में आया एंड आज के Uh, आज भी क्लासिकल म्यूजिक उतना ही फेमस है जितना तब के टाइम पे था सो द म्यूजिकल प्लेस ऑफ किर्लोस्कर मंडाली बिकेम वेरी पॉपुलर यहाँ पे देखो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया एंड संगीत शंतला रिटर्न बाय अन्ना साहेब किर्लोस्कर अंड ग्रेट पॉपुलैरिटी ये जो संगीत शकुंतला था वो किसने लिखा था अन्ना साहेब किर्लोस्कर ने एंड बिकॉज ऑफ दिस उन्होंने बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी ये की थी ठीक है बहुत ही ज्यादा ये पॉपुलर हो चुका था उस टाइम पे एंड म्यूजिक प्लेज शरदा रिटर्न बाय गोविंद बलाल देवल इज क्वाइट इम्पोर्टेंट एज इट कमेंट्स इन स्टाइल ऑन द एविल कस्टम ऑफ मैरिंग यंग गर्ल्स टू एज मैन सो देखो समटाइम क्या होता था, था पहले के ज़माने में अगर लड़की कोई 20 साल की है ठीक है एंड कोई भी बूढ़ा होता था चालीस साल का पचास साल का उससे भी वो लोग मैरिज करवा देते थे शादी करवा देती थी आपने टीवी में देखा होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए था बिकॉज इट इज़ वेरी अनफेयर अभी कोई बीस साल की लड़की है एंड वो कोई साठ साल का बुढ़ा है उसकी शादी करवा दी जाए मतलब कुछ वर्थ नहीं है वो साठ साल का बुढ़ा पाँच साल में गुजर जाएगा बट वो बीस साल की जो लड़की है उसकी तो पूरी लाइफ बाकी है तो वो लोग इसके थ्रू भी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते थे ऑल्सो प्लेस सच एज मुकनायक रिटर्न बाय श्रीपद कृष्णा कोलाटकर संगीत मनापना रिटर्न बाय सो ये सारी चीज़ें जो हैं एंड एकथ प्याला रिटर्न बाय राम गणेश गड़कारी आर इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मराठी थिएटर तो ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है किसी का नाम बताया है एंड किसने क्या क्या डेवलप किया था वो सारी चीज़ें बताया है कौन किसके वजह से पॉपुलर हुआ है ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंशन की है ठीक है And फिर देखो पे, आचार्य uh, so आत्रे like सत्संग, नमस्कार, उदया संसार घरा बाहर एक्सेट्रा हेल्थ मराठी थिएटर टू सस्टेन थ्रू अ टेम्पररी डिक्लाइन सो so यहाँ पे देखो जो देखो ना कभी कभी क्या होता है हम परमानेंट चीज़ें नहीं कर पाते चीज़ें टेम्प्ररी में ही धीरे धीरे कम होने लगती है बट इन सब के कारण इन सब चीज़ों के कारण वो धीरे धीरे क्या हो गई और बढ़ती चली गई ठीक है उन्होंने बचा लिया टेम्प्रेरी डिक्लाइन के लिए द रिस प्लेस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल थीम्स लाइक राय गद्दाला जेवा जा एंड इथे ओशाला मृत्यु बाय वसंत कनेक्टकर काशीराम कोटवाल, बाय विजय तेंदुलकर तिलक आनी अग्राकर बाय विश्राम बेड़ेकर बिकेम वेरी पॉपुलर सो so ये सारी जो चीज़ें हैं वो इन्होंने लिखी थी इनके लिए एंड मराठी थिएटर में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पॉपुलर हो रही थी द मराठी स्टेज कंटिन्यू टू गेट इन रिच बिकॉज ऑफ इट्स एंड टाइप्स ऑफ प्लेस सो मराठी थिएटर क्यों इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा था बिकॉज अलग अलग प्ले लिस्ट म्यूजिक होते थे उनके ड्रामा होते थे लोगों में इतना वो दिखाते थे शो करते थे ठीक है तो इसलिए मराठी वो क्या हो रहा था थिएटर और ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा था मराठी स्टेज आर्टिस्ट ऑफ द बेन एरा लाइक गणपत राव जोशी नारायण राजमेश मोर पॉपुलरिटी नोन एज बाल गंग बालगंधरवा केशवराव भोसले राव, कोलकटर एंड गणपतराव बोडस आर स्टिल रिमेंबर्ड एज 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 अ ग्रेट एक्टर ठीक है ग्रेट एक्टर के रूप में आज ये लोग को याद किया जाता है आज भी द अर्ली मराठी प्लेस वॉज स्टेज एंड ओपन ग्राउंड द ब्रिटिश फर्स्ट बिल्ड क्लोज थिएटर लाइक प्ले हाउस रिपन एंड विक्टोरियन इन मुंबई देर आफ्टर द शोज ऑफ मराठी प्लेस ग्रेजुअली क्लोज टू टू क्लोज थिएटर्स समझ में देर आफ्टर द शोज ऑफ मराठी प्लेस ग्रेजुअली टू क्लोज थिएटर देखो ब्रिटिशर्स उन्होंने खुद का कुछ से बंद हो गया अपना ही कुछ स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे कम होने लगी देखो यहां पर The honor of making and releasing the first full length movie uh, goes to Maharashtra. The Maharashtra is known as the land and the nurture of the Indian film industry. So यहाँ पे जो Maharashtra को Indian film industry मतलब यहाँ से ही वो nurture हुआ है, यहाँ से ही वो उगा है Marathi जो theaters वगैरह होते थे, आज film industry है Maharashtra में बहुत सारी चीजें हैं. तो वो किसलिए है कि क्यों पहले से ही ऐसा किया जाता था. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नंदन राव मधवराव पिटाले द पटवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण हरिचंद शंखाराव भाडवेकर ऑल्सो नोन एस सावेदादा इज वेरी इंपॉर्टेंट द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मूवीज सो ये सारे जो नाम है बहुत ही ज्यादा क्या थे इंडियन बहुत ही ज्यादा इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था टूवर्ड्स ग्रेट अचीवमेंट ऑफ मराठी थिएटर देखो यहाँ पे लेटर गोपाल रामचंद्र तुराने ऑल्सो नोन एज दादा साहेब तुराने एपी पी करा ए पी करंडीकर एस एन पटंकर वी पी दिवेकर शॉर्ट हेल्प फ्रॉम फॉरेन टेक्नीशियन एंड मेड अ मूवी इन टाइटल पुंडलिक सो देखो ये जो लोग थे सिर्फ कब क्या करते थे अभी यहाँ पर टेक्नीशियंस जो भी यहाँ पे फॉरेन टेक्नीशियंस होते थे उनसे बहुत ही ज़्यादा आइडियाज़ लेके एंड देख के फिर उन्होंने खुद का एक क्या बनाया वो लोग ने एक मूवी बनाई उसका नाम क्या था पुंडलिक इट वॉज रिलीज इन मुंबई नाइनटीन टवेल्व में सोचो नाइनटीन टवेल्व में ये चीज़ें रिलीज हुई थी जब हम आज़ाद भी नहीं होते उसके पहले राजा हरीश चंद्र और मूवी डायरेक्टेड बाय दादा साहेब फालके व फर्स्ट टू बी प्रोसेस्ड कंप्लीटली इन इंडिया सो और जो मूवी डायरेक्टर कौन था उसका दादा साहेब फालके It was released in Mumbai in 1913. He also created silent movies named as Mohini, Bhashmushar, Savitri, Satyavana. Also documentaries on the rock-cut caves of Verul and pilgrim centers of Nashik and Trambakeshwar. So, here are rock-cut caves. Now, Uh, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अब देखो एक नवाजुद्दीन की फिल्म थी जिसमें वो uh, जितने इतने पहाड़ होते थे रास्ता नहीं होता था बट उसको इतने धीरे धीरे कब से पूरे यंग जमाने से कट कर, फट कटते करते 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 फटते फटते फोड़ते फोड़ते वो ओल्ड हो गए एंड फाइनली वो रास्ता उन्होंने बना दिया तो ये सारी चीज़ें होती थी लेटर ए ट्रेडिशन लेटर ए ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग मूवीज़ ऑन हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट केम मिन टू बी सो ट्रेडिशनल जो मूवीज़ होती थी अभी देखो अभी के मूवीज़ भी देख लो आप लोग ठीक है कोई भी देख लो पन्नावत देख लो या फिर और भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो देख लो ठीक है तो यह हिस्टोरिकल एक बनाती थी ठीक है कि वहाँ पर क्या होता था एंड उसको रियलिटी में वो लोग टी में दिखाते थे ठीक है एक कुछ ड्रामा क्रिएट करके तो उससे किसका एंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा फर्स्ट वन टू मेक अः कैमरा ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल मूवी सिमघर समझ में था एंड वो क्या फर्स्ट क्या था वो सिमघर समझ में आ रहा है वो मूवी में कोई बोल नहीं सकता था बोल नहीं सकता था इन द सेंस की बोल सकते थे पर उसको साइलेंट तरीके से ये किया गया था समझ में आए कि वो लोग क्या बोल रहे हैं सिर्फ हमको इशारे में समझेगा बट वो सुनाई नहीं देगा विच वॉज साइलेंट वो क्रिएटेड हिस्टोरिकल मूवीज कल्याण कंच खजीना भाजी प्रभु देश पांडे नेताजी पलकर सोशल इशू एंड टाइटल सवाकरी पर्च इन 1925 बालाजी मूवी बाजीराव मस्तानी अभी देखो देखो बाजीराव मस्तानी आपने सुना ही होगा दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह प्रियंका चोपड़ा एंड ऑल एंड ऑल ठीक है उनके क्या थे उन्होंने भी एक दिखाई गई थी कि यहाँ पे ऐसा हुआ था कैसे उन्होंने फाइट किया था ये सारी चीजें ठीक है हाउ एवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट सस्पेक्टेड इट टू बी अ मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट एंड इट वॉज बैंड तो देखो कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर वो मूवी में चाहे वो कोई भी मूवी हो देखो जब पद्मावत रिलीज हुई थी तब उसके नाम पे भी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा क्या क्या क्रिटिसाइज़ किया था ठीक है कि ये नहीं होना चाहिए हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था हम हिंदू अभी देखो कोई हिंदू के खिलाफ कुछ खड़ा हो जाता है या फिर अपने धर्म के खिलाफ खड़ा हो जाता है एंड मूवी में कुछ भी अगर दिखाते हैं तो वो लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं क्योंकि तो यह हमारा रिलीजन है हमारा धर्म है ऐसा नहीं होना चाहिए चीज़े। गलत चीज़ें लोगों में नहीं जानी चाहिए इसलिए

आचार्य आत्रे मेड अ मूवी ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा फुले एंड विश्रम बेडेकर मेड मूवी ऑन द लाइफ ऑफ वासुदेव सो so, वो एक दूसरे के जो भी उनके कथाएं होती थी अभी देखो धोनी एम एस धोनी फिल्म रिलीज हुई थी तो वो किसके ऊपर बेस्ड थी एम एस धोनी के ऊपर ठीक है तो ऐसी चीजें होती थी जो उनके मैरी कॉम मैरी कॉम देख लो फुल ये बॉक्सर ठीक है तो वो सारी होती थी चीजें प्रियंका चोपड़ा की थी तो वो एक दूसरे को कनेक्ट करते उनके लिए दिखाते कि उन्होंने ऐसे ऐसे किया है ये ऐसी थी उनके लाइफ स्टोरी पर डिपेंड होता है दिनाकर डी पाटिल मेड अटल धनिया टू संत जी धानाजी बाल शिवाजी द मूवी मेड बाय प्रभाकर पेंड्रेकर आल्सो नीड्स अ स्पेशल मेंशन देखो जब हम छोटे छोटे थे तो शिवाजी महाराज का एक आ, ये आता था सीरियल आता था है ना टीवी पे कलर्स चैनल पे तो वो कितना अच्छा होता था देखने में छोटे थे कैसे उनके मम्मी उनको स्टोरी सुनाती थी फिर कैसे उनके फादर बैटल में जाते थे एंड वो खुद तलवार लेके इतना ऐसे करते थे फ़ाइट करते थे ठीक है so सो बहुत सारी ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें हमारी बनाई गई थी एंड नॉट फॉर ओनली एंटरटेनमेंट पर्पज़ तो भी हमारे पास इतना नॉलेज हो जाता था कि तब के टाइम पर वो लोग ने कितना स्ट्रगल किया था देखो यहाँ पे हिस्टोरिकल मूवीज वर मेड इन हिंदी द हिंदी मूवीज मेड इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड सो देखो हिस्टोरिकल मूवीज हिंदी में बनती थी और ये प्री इंडिपेंडेंस मतलब कि इंडिपेंडेंस के पहले सिकंदर दानस एन समझ चंद्र गुप्ता पृथ्वी वल्लभ एंड मुगल आजम वर मेड विद हिस्टोरिकल बैकड्रॉप ठीक है सो जितनी भी सारी चीजें होती थी वो यहाँ पे बताई जाती थी दिखाई जाती थी शो की जाती थी डॉक्टर कोतनीस की अमर कहानी वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी देखो डॉक्टर कोतानिश की अमर कहानी कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ट्रू होती है कि वो इन पे ही लिखी गई है देखो मिल्खा सिंह पिक्चर थी ठीक है वो क्या कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया कैसे क्या किया अभी देखो जैसे कि मैंने एम एस धोनी की बात की सो एकदम ट्रू बेस्ड स्टोरी थी उनकी तो वैसे वो लोग क्रिएट करते थे बनाते थे

प्रोडक्शन स्टूडियो सच एस बॉम्बे टॉकीज राजकमल प्रोडक्शन आर के स्टूडियो नवनिके नवकेतन एक्स्ट्रा एक्सेट्रा प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सो ये जो सारी फिल्म इंडस्ट्रीज है आप गोरेगांव चले जाओ फिल्म इंडस्ट्री आपको मिलेगा तो ये अलग अलग क्या है फिल्म इंडस्ट्री के नाम है जिन्होंने बहुत ही ज्यादा लोगों तक प्रेरित किया है अपनी भूमिका से ठीक है नाउ एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज समझ में आ रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री कैन अवेल मेनी प्रोफेशन अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड्स ऑफ ड्रामा एंड मूवीज देखो ड्रामा इन ऑर्डर टू अचीव एक्यूरेसी स्टेज बैकड्रॉप ऑन द स्टेज डीप नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स आर्किटेक्चर ऑफ कंसर्न पीरियड इज असेंशियल देखो आप कभी भी ड्रामा आप कुछ भी करते हो या कुछ चीजें करते हो तो उसके पहले आपको वो नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप किस लिए कर रहे हो ये चीज़ हो रही है तो किस लिए हो रही है एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड्स कैन वर्क एज डायरेक्ट आर्ट डायरेक्टर और कंसल्टेंट तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी है कि आप वो ड्रामा के कोच बन सकते हो कोच इन द सेंस लाइक आप कंसल्टेंट बन सकते हो कि हाँ आप ऐसे करने चाहिए आप ऐसे करो ठीक है ट्रेनर बन सकते हो अभी आप जिम जाते हो उसमें कोई ट्रेनर होता है वो आपको सिखाता है ठीक है पहले वो ऑलरेडी खुद जिम कर लिया होता है देन वो अपने आप दूसरे को सिखाता है तो ये सारी चीज़ें होती है वो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ द स्क्रिप्ट राइटर्स एज वेल एज डायलॉग राइटर नीड असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस एज वेल एज एक्सपर्ट्स इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ अ गिवन पीरियड समझ में आ रहा है आप सीरियल में देख लो मूवीज में देख लो वो लोग अपने खुद से तो बोलते ही नहीं है वो सारी चीजें उनको एक स्क्रिप्ट दिया रहता है बोलने के लिए एंड वो स्क्रिप्ट कौन देता है एक्सपर्ट देते हैं वो स्टोरी कौन क्रिएट करता है ऑलरेडी वो क्रिएट होती है किसी के थ्रू नौ सिनेमा आर्ट डायरेक्टर ऑफ मूवीज क्रिएट द बैकड्रॉप ऑफ डिजाइन ऑफ एटमोसफियर कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी मेकअप हेयर स्टाइल एक्सेट्रा सुटेबल टू द टाइम्स ऑफ थीम ऑफ द मूवी अभी यहां पर देखो जो भी कोई मूवी बनाता है अभी आपने देखा अगर बॉलीवुड मूवी बन रही तो वो लोग कैसे भी ड्रेस करते हैं मेकअप करते हैं बट वही कोई हिस्टोरिकल फिल्म बन रही है तो उसके हिसाब से वो लोग साड़ी डालते हैं जो भी पे मेकअप करते हैं जो भी एसेसरीज होते हैं गले में पहनने के लिए कहीं पर पहनने के लिए मतलब तो सारी चीजें वो लोग वेल प्रिपेड होते हैं सो स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री कैन वर्क इन दिस फील्ड एज आर्ट डायरेक्टर्स और एज कंसल्टेंट टू द आर्ट डायरेक्टर टू राइट मूव वियलॉग्स नॉलेज ऑफ द कल्चर एंड लैंग्वेजेस एज स्पोकन इन द concerned पीरियड इज नेसेसरी एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड कैन फाइंड मैनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज देखो कभी कभी होता है कभी कभी क्या होता है किसी को हिंदी नहीं आती तो किसी को इंग्लिश नहीं आती बट एक्टर उनको वही चाहिए रहती है एक्ट्रेस उनको वही चाहिए रहती है so, तो कोई कोई क्या करता है लिपसिंग करता है कि मतलब वो तो ऐसे ऐसे करेगी मूव चलाएगी बट लिपसिंग कोई और करेगा ठीक है तो ये थी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आप एंटरटेनमेंट हिस्ट्री में किसी भी तरीके से पार्ट लेते हो तो आप वहाँ के हेड बन सकते हो या फिर कुछ कंसल्ट कर सकते हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए अभी डायरेक्टर जो है वो पूरी फिल्म डायरेक्ट करता है प्रोड्यूसर पैसे लगाते हैं ठीक है एक्टर्स अपने से स्क्रिप्ट के थ्रू उनको वो परफॉर्म करते हैं तो ये सारी चीज़ें थी एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री के बारे में ठीक है अब आप इसके एक्सरसाइज देखोगे अगर आप इसके एक्सरसाइज देखो ठीक है एक्सरसाइज में देखो यहां पे सारी चीजें ये आपको क्या बोलते हैं ये द ब्लैंक्स तो आपको करना ही है कितना भी कुछ हो जाए फिर इन द ब्लैंक्स आपको स्किप नहीं करना है फिर इन ब्लैंक्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है बट मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप जितनी भी चीजें हैं अगर आपने अपने टेक्स्ट बुक के पीछे से कर ली पीछे वाले एक्सरसाइज से कर ली यू विल गेट वेल एंड गुड मार्क्स ये है रॉन्ग राइट पेयर ठीक है और ये चार्ट वगैरह भी आप प्लीज करके जाना एंड समाइम क्या होता है पैसेजेस भी आते हैं हिस्ट्री में पैसेज भी आते हैं आपको एक पैसेज मिलेगा चार क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो भी करना है कुछ तीन चार मार्क्स के लिए वो भी आता है नहीं देखो यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट्स राइट शॉर्ट नोट्स में अगर नीड ऑफ एंटरटेनमेंट पूछा तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो क्यों है आपको एंटरटेनमेंट की नीड ठीक है वो अपने मन से लिख सकते हो एंड देन एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा है फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन्स अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हो ठीक है आप जब भी एक्सप्लेन करते हो कुछ चीज़ें तो पहले उसके बारे में एक लाइन में बता दो फिर लिखो फॉलोइंग आर द रीजन्स फिर फॉलोइंग आर द रीजन्स के नीचे आप चार पांच लाइन में रीजन्स एक्सप्लेन कर दो

इसके हैं चाहे मास मीडिया के जैसे कि मैंने आपको बताया जितने भी मैंने अभी तक चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं ऑल आई आर गोइंग टू टेल यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसके आंसर्स लिखने कैसे हैं सब मैं संडे के दिन एक लेक्चर में आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ आई प्रिपेयर माई ओन नोट्स ओन नोट्स इन द सेंस कि जैसे क्वेश्चन लिखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ताकि आपके अगर जनवरी में प्रीलियम स्टार्ट भी हो तो आप उसके पहले ही प्रिपेयर हो फिर आपका मार्च में पेपर होगा आप एकदम वेल प्रिपेयर हो जाओगे समझ में आ रहा है कुछ आपके अगर डाउट्स है तो प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स ओके Guys, understanding, जो भी मैंने पढ़ाया आपने स्कूल में पढ़ लिया है अपने क्लासेस में पढ़ लिए होंगे यहाँ पे भी पढ़ लिया आपने तो आपका एक रिविजन हो रहा है अच्छी तरीके से अगर आप एग्जाम में जो लिखा हुआ है पढ़ा हुआ था वो भूल भी जाओ तो भी अपने मन से एक बार ध्यान में रख के तो मैम ने ये पढ़ाया था चलो मैं ये लिख देता हूँ तो कुछ भी स्किप मत करना जो भी आपको अच्छा लगे जो भी चीज़ें लगे वो जस्ट आप लिख के आना वहाँ पे समझ में आ रहा है एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना हिस्ट्री के एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री बताओ आपको जो भी उसके बारे में लिखता लिख दो अगर आपको वो नहीं भी आ रहा ना तो भी कुछ तो लिखना होगा लिख दो वहाँ पे बट छोड़ के मत आओ तो अगर देखो यहाँ पे अगर आप आपस में चैट करोगे और ये लाइव चैट है इसमें मतलब कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें ना कुछ सेंस नहीं बनती है कि आप एक दूसरे से चैट कर रहे हो यहाँ पे जो लाइव चैट होता है वो एग्जैक्टली exactly होता किस लिए ताकि आप जो भी डाउट्स है वो पूछ सको आपस में बात करने के लिए नहीं होता ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नहीं है यहाँ पे आप भी लाइव हो और मैं भी लाइव हूँ ठीक है तो अगर आप ऐसे ही कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो कुछ चीज़ें लाइफ में होने वाली नहीं है ठीक है बहुत डिसिप्लिन एंड पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट so, देखो यहाँ पे हमारा एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री जो कि हमारा चैप्टर थ्री है थ्री चैप्टर इट मीन्स की सिक्स चैप्टर है बट यहाँ पे हमने तीन लेसन कंप्लीट कर लिए हैं हिस्ट्री के एंड तीन चैप्टर्स जोग्राफी के हो गए हैं है ना सो आई मेक श्योर कि मैं इस संडे आपका अच्छी तरीके से एक वीडियो बना दूं एंड वो लाइव भी हो सकता है एंड रिकॉर्डेड भी हो सकता है ताकि आप अपने आने वाले प्रीलियम्स में अच्छे से प्रिपेयर करके जा सको आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो है ना ठीक है सो so, अभी के लिए इतना ही फिर हम नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर्स के साथ आएंगे एंड नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके साथ आएंगे हम एंड टिल हियर तो अभी हम जोग्राफी के लेक्चर में भी प्लीज़ आप लोग प्रेजेंट रहना ठीक है तो और जो भी जितनी भी चीज़ें चाहे वो ज्योग्राफी की हो चाहे हिस्ट्री की हो आप प्लीज़ उसका एक्सरसाइज कर लेना पीछे का उतना ही मैटर करता है आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा तो आप वो भी कर सकते हो बट अगर इतना भी कर लिया तो बहुत ही होगा पहले इतना तो करो है ना सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट बाय बाय टेक केयर